क्या हाल चाल है बैठिए 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 सॉरी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा क्या नाम है आपका अदीप अच्छा अदीप अच्छा अदीप कुमार कहाँ से हैं अदीप आप खास लखनऊ से आपका क्या नाम है राजीव राजीव कहाँ से हैं आप सही और आपका वरुण अरुण आप हरियाणा से हैं और क्या बैकग्राउंड है आप लोगों का सॉरी हाँ आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ में मैथमेटिक्स ऑनर्स कहाँ हरियाणा से ही आपका कहाँ से Uh, किस स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस और आपका कहाँ से किस चीज में चलिए ठीक सो लेट्स बिगिन सो व्हाट आई डू इज अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो वो आप बीच में भी पूछ सकते हैं बाद में भी पूछ सकते हैं बट वील जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज टू द पॉइंट हाँ और बाकी जो आपकी कंसर्न होंगी सो दिस इज सोशियोलॉजी ऑप्शनल राइट ओरियंटेशन आप लोगों ने सिलेबस वगैरह देखा है अभी नहीं देखा है चलिए यह अच्छी बात है ईमानदारी से आपने बता दिया कि नहीं देखा कई बार लोग झूठ बोल देते हैं हाँ देखा हुआ है ओके सो आई विल नॉट राइट अवे स्ट्रेट अवे नॉट गोइंग टू द सिलेबस बट दो तीन चीजें जो फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे किसी भी ऑप्शनल को डिसाइड करने से पहले ठीक क्या कंसिडरेशन होना चाहिए चलिए एक चीज़ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ठीक एग्जाम वो तो सबका बेटे जे की होता है सारे ऑप्शनल पाँच सौ नंबर के तो हैं अच्छा वैसे आप कह रहे हैं तो वो बताओ ना कि मेंस में उसका कुछ और मेंस के जीएस कंपोनेंट कॉम्पोनेंट में उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए चलिए स्कोरिंग होना चाहिए ठीक है तो स्कोरिंग आपने बता दिया जीएस uh, के और कॉम्पोनेंट्स में या मेंस के और कॉम्पोनेंट्स में उसका कुछ रोल होना चाहिए आपने क्या बताया था इंटरेस्टिंग होना चाहिए ठीक है इसके अलावा अच्छा तो सब ये कह दो पेपर आउट हो जाए बात ही ख़त्म हो गई सिलेबस देखो कितनी आसानी चाह रहे हो कैसे आई बनोगे भाई <laughs> इतनी आसानी से तो आई नहीं हो पाएगा हैं कन्वीनियंस इज नॉट रियली योर य बहुत ज़्यादा अगर आप सहूलत के चक्कर में रहेंगे बट एनी वेज दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सो लेट मी जस्ट क्विकली लिस्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशनस कुछ चीज़ें जो हमें हर हालत में एक ऑप्शनल से एक्सपेक्ट करनी चाहिए एंड आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट सोशियोलॉजी

ंसिडरेशन हाँ ये चीज़ें ऑप्शनल हमें इसको देना चाहिए ये चीज़ों ठीक तो एक चीज़ आपने बताई स्कोरिंग अब स्कोरिंग का मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं तीन सौ आ जाएंगे तीन सौ बीस आ जाएंगे आई डोंट गिव एनी ऑफ दैट नॉनसेंस ऑन रिकॉर्ड राइट मैं क्योंकि भाई मैं कोई यूपीएससी से मेरी साठ गार्ड तो है नहीं उस तरीक़े का तो मामला है नहीं कि आप मेरे साथ कर लो मैं तीन सौ दिलवा दूंगा नो बट इन जनरल अगर सो लेट्स लेट्स डिस्कस दिस लेटर अभी के लिए हम जनरल रखते हैं चलिए मैं उस पर आऊँगा बाद में तो स्कोरिंग होना चाहिए आपने बताया थोड़ा ये भी एक ज़रूरी चीज़ है इट शुड बी एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट एक्साइटिंग का मतलब ये है कि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सरदर्दी ना हो आ, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रटने का मामला ना हो समझ का ज़्यादा स्कोप होना चाहिए दे शुड बी मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप किसी चीज़ को समझ गए तो जाहिर है फिर उसको रटने की ज़रूरत नहीं है ठीक सो दैट्स ऑल्सो सॉर्टेड तो आपने बताया था एक्साइटिंग स्कोरिंग जब मैं कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को तो मेरी नज़र में जो जो मेरे जहन में बात है वो है दैट इट शुड समवेयर ऑफ अवेंटी फाइव प्लस दैट्स अ गुड स्कोर राइट अगर आप मेंस की पूरी गणित देखेंगे तो अगर जी के चार पेपर्स में अगर आपके फोर थर्टी प्लस हैं और फिर ऑप्शनल में आपके टू सेवेंटी फाइव मैं टू सेवेंटी फाइव मान के चल रहा हूँ तो ये हो गया आपका सात सौ सात सौ के थोड़ा सा ऊपर और ऐसे में वन थर्टी ठीक तो ये आपका हो गया आठ सौ चालीस के करीब और फिर इंटरव्यू में इफ़ यू गेट वन सिक्सटी यू आर इन टॉप हंड्रेड टॉप हंड्रेड ये गणित है आप इसको देख सकते हैं आप अभी टॉपर्स अभी आ जाएगा मुझे पता नहीं अभी तक मार्कशीट आई है नहीं आई है आ गई है तो उससे आप देख लीजिए टॉप हंड्रेड का मामला कहाँ तक जा रहा है सो एंड दिस इज 275 पे इफ दिस गोज़ अप टू 290 प्लीज इफ दिस गोज़ अप टू 290 या फिर 300 हंड्रेड दैन इट ओनली मेक्स मैटर्स मोर इंटरेस्टिंग ठीक है सो so, uh, आपका नाम अंकित अंकित क्या बैकग्राउंड है आपका कर रहे हैं सोशियोलॉजी मास्टर्स कहाँ से अच्छा ठीक है ठीक है तो हम अभी बस वी वे जस्ट लुकिंग एट वॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी एट द मोमेंट वी आर सिंपली लुकिंग एट वॉट शुड एन ऑप्शनल आइडियली ऑफर ठीक और फिर उसके बाद से देखते हैं क्या सोशियोलॉजी इन सब पैरामीटर्स पे खड़ा उतरता है तो स्कोरिंग को लेके मैं कह रहा था द टू सेवेंटी फाइव प्लस इज़ अ गुड स्कोर प्रोवाइडेड यू हैव फोर थर्टी प्लस इन जीएस यू हैव वन थर्टी एटलीस्ट वन थर्टी इन योर ऐसे एंड यू डू रीजनेबली वेल इन योर पर्सनैलिटी असेसमेंट राउंड व्हिच मींस दैट यू शुड गेट अबाउट वन सेवेंटी वन सेवेंटी दैट्स अ गुड स्कोर इन पर्सनैलिटी असमेंट एक्सेलेंट स्कोर इज ऑफ कॉर्स वन प्लस तो अगर ये सब होता है तो आप टॉप में है. ठीक तो यानी उतना बुरा हाल आपका नहीं है टॉप हंड्रेड में द चांसेस आर वेरी हाई ऑफ यू गेटिंग आई ए एस अनरिजर्व में थोड़ा सा इट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अदर कैटेगरीज देन इट शुड नॉट रियली बी दैट डिफिकल्ट तो एक तो हो गया कि ऑप्शनल को हमें अब आते हैं हम कि मेंस में जो और हमारा जीएस के जो कंपोनेंट्स हैं वहां पे भी वो हमें थोड़ी बहुत मदद करे जो अभी आप बता रहे थे ठीक है इसके अलावा एक चीज जो आप भूल गए ऐसे ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई हल्के मत लीजिएगा ऐसे भी अच्छे अच्छे लोगों के खाब तोड़ देता है और लोगों की जिंदगी बना देता है राइट सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट सो सो स्कोरिंग होना चाहिए एक्साइटिंग होना चाहिए इट शुड इन्वॉल्व लेस फिर उसके बाद से एक चीज सिलेबस वाइज भी थोड़ा सा अगर इसका सिलेबस थोड़ा कम है रिलेटिवली स्पीकिंग देन इट्स ऑलवेज गुड सिलेबस को लेकर के एक चीज और भी होती है दैट एक्सपेक्टेड लाइंस पे जो आप कह रहे थे ना आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस पे अगर हमारे मेंस एग्जाम तो फिर तैयारी करने में और मदद मिलती है तो सिलेबस कम या रे, ऐसा कम ऐसा नहीं कि दो दिन में हो जाएगा ऑफकोर्स सिलेबस तो हर एक ऑप्शन का ज़्यादा ही है कुछ ऊंच नीच हो जाती है जैसे पी एस आई आर से अगर आप सोशियोलॉजी को मिलाएंगे तो पी एस आई आर का ज़्यादा है फिलोसफी सोशियोलॉजी आस पास से एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सा ज़्यादा है सोशियोलॉजी से आम तौर पर सारे ही सिलेबस ज़्यादा होते हैं बट रिलेटिवली स्पीकिंग आप जब कंपेरिजन करते हैं uh, इसके अलावा एन ऑप्शनल शुड ऑल्सो मेक यू मोर इन्फॉर्म्ड What does that mean? So, you read an optional. It should not simply be a means. Ye sirf ek zariya nahi hai kuch karne ka. It should also add to your overall personality. It should add to your knowledge base. It should make you feel more authentic, more confident. तो so ideally एक optional को ये भी करना चाहिए कि आपको बहुत सारे मुद्दों के बारे में credible knowledge offer करनी चाहिए. So that you are able to speak more confidently on a range of issues. That is something that an optional आइडियली शुड ऑल्सो ऑफर कि उसको पढ़ के आप उसको करके आप और इन्फॉर्मड हों आपकी अंडरस्टेंडिंग बेटर हो आप किसी भी कॉन्वर्सीन में अच्छे से हिस्सा ले सकें और कॉन्वर्सेशन में अच्छे तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें अदर पीपल टेक अ नोट ऑफ योर पॉइंट्स योर व्यू पॉइंट एसेट्रा अभी के लिए तो ये चीज़ें हैं हमारे पास जो एक ऑप्शनल में आम तौर पर हमारा कंसिड्रेशन होता है इसके अलावा आपके जहन में कुछ और This is as comprehensive as it can get, right? Now, let me come to sociology. Because I have to speak about sociology, so I'm sticking myself, I'm, I'm restricting myself to sociology. In sociology, the chances, I'm again, I'm not saying that if you do sociology with me, you get 300 plus. That's not really a claim that I'm making. What I'm trying to say is, in sociology,

ये तो अपनी अपनी किस्मत पे है और मेहनत पे है ना बट टू एटी टू सेवेंटी फाइव इज समथिंग दैट इज नेवर अ डिस्टेंट ड्रीम प्रोवाइडेड यू हैव फिगर्ड आउट द ट्रेंड एंड यू डू अ फ्यू अदर थिंग्स दैट आई जस्ट शेयर विद यू सो सबसे पहली चीज़ हमारी आती है कि स्कोरिंग को लेकर के सोशियोलॉजी का मामला एज कंपेयर टू अदर ऑप्शनल इट्स गुड इट्स एन ऑप्शनल दैट्स डूइंग वेरी वेल एंड द रीजन इज इफ यू गो थ्रू पी वाई क्यूज सो so सोशियोलॉजी में दो पेपर्स हैं पेपर वन पेपर टू पेपर वन है आपका जनरल सोशियोलॉजी विच इज़ टू डू विथ थियरी मैथड्स पॉलिटिक्स रिलिजन वगैरह अगर आपने सिलेबस देखा हो उसमें दस यूनिट्स हैं ठीक और हर यूनिट का अपना वेटेज है ठीक और अगर आप दस साल के 2013 से सिंगल ऑप्शन का मामला शुरू हुआ है तो अगर आप 10-11 साल के पेपर्स देखेंगे तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अलग अलग यूनिट से क्या कितने नंबर का पूछा जा रहा है एंड इफ यू डू इट रियली वेल आई एम नॉट किडिंग 85 परसेंट एटी परसेंट ऑफ द पेपर यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट पेपर वन क्योंकि इतनी रिकरेंट थीम्स हैं उसमें कि जैसे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस है तो अगर 2023 में नहीं पूछा गया है तो 2024 में पूछा ही जाएगा ठीक तो उसके आपको हर यूनिट से ये एक अंदाजा लग जाएगा एंड वी डू दिस ड्यूरिंग द क्लासेस कि कौन सी यूनिट से कितने सवाल किस किस तरीके के आते हैं तो एक तो ये कि पिछले कुछ सालों में एक ही थीम पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए so, सो जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस अब सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस सिर्फ एक थीम नहीं है वी हैव टू ऑल्सो फिगर आउट वॉट आर द पॉसिबल फ्रेमिंग्स कितने तरीके के सवाल बने है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में ओवरलैप्स क्या, क्या, क्या है और तीसरा सवाल क्या है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच का रिश्ता क्या है पिछले दस साल के पेपर्स उठा लीजिए इसी तरीके के सवाल हैं लेकिन उसके साथ आपको आगे क्या करना है और क्या फ्रेमिंग हो सकती हैं नाउ दिस इज वेयर यू आर अहेड ऑफ द पैक क्योंकि ये काम तो आपके जैसे बहुत से लोग कर रहे होंगे भाई वो भी पी वाई क्यूज तो हर जो भी सिंसियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है वो बिना पी वाई क्यूज के आगे नहीं बढ़ेगा अगर मैं ये कहूँ मैं बहुत सिंसियर यू पी एस सी एस्पिरेंट हूँ और पी वाई क्यूज की मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ देन देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई क्लेम आई एम नॉट अ सिंसियर स्टूडेंट इफ़ यू आर सिंसियर यू बेटर गियर अप फॉर पी वाई क्यूज बिकॉज पी वाई क्यूज आर आर गाइडिंग स्टार्स ये हमें रास्ता दिखाते हैं तो अगर आप पी वाई क्यूज देखेंगे तो आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ वो भी सभी देख रहे हैं बट देन देर आर फ्यू ऑफ आस हुर चेकिंग आउट पीवाई क्यूज दे आर टेकिंग अ स्टॉक ऑफ द ट्रेंड्स कि किस तरीके के सवाल पूछे गए एंड देन दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट पॉसिबल क्वेस्ट दैट कैन बी फ्रेमड कि अभी तक सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे ये तरीके का सवाल फ्रेम नहीं किया गया है मुझे इसकी भी तैयारी करनी है ना दिस इज वेयर एज आई सेट यू आर एहेड ऑफ द पैक यू हैव एन एज ओवर योर पियर्स और ओवर अदर एसपेरेंट्स तो सोशियोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने बताया इफ़ यू डू योर प्रिपरेशन वेल इफ़ यू गो थ्रू द पी वाई क्यू इज डिलीजेंटली यू कैन एक्चुअली फिगर आउट किस तरीके का सवाल अब ये नहीं कि आपके दिमाग में पूरा पेपर आ जाएगा बट यूल है आइडिया कि पिछले साल उससे पिछले साल ये ये पूछा गया इस साल ये जरूर आएगा बिकॉज दो साल से नहीं पूछा गया and you prepare. और उसके आगे पीछे कुछ आता है आप कंपेयर कर सकते हैं 2023 के मेंस को 2022 को 21 को एंड ऑन तो दिस इज समथिंग एज रिजल्ट बिकॉज देयर आर मेंस एग्जाम सिर्फ अभी एक पासिंग रेफरेंस है सोशियोलॉजी कोर्स इज वेरी एक्साइटिंग

and the good thing about sociology is that you can actually borrow from a range of very different sources for example can you think of borrowing from a film song So what do we think about the film songs we about film film song to film song when you watch a film to so, logo but Bohatsare film songs actually are used in sociology resources advertisements Bohatsare film plots so imagine if you're able to understand something through a film or a certain character of a film, if you're able to understand something through some advertisement, if you're able to understand something through, again, a film song or a hoarding, right? Around, 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 you can now this is something that's very exciting about sociology. This is not something that you have in other optionals. I can say this. क्लियर कट और ऑप्शन में नहीं है बिकॉज सोशियोलॉजी स्ट्रेट अवे डील विद आर एवरी डे लाइफ राइट ओके तो इसलिए इट इज ऑफकोर्स वेरी वेरी एक्साइटिंग सो द थीम्स दैट दम मगिंग अप है देखिए आमतौर पर इसकी मगिंग अप का लेना देना डेटा से जो कुछ जगहों पर जरूरत होती है वो आपको जीएस में भी करना है भाई डेटा तो रट ही सकता है डेटा समझ कौन सकता है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स यू हैव टू रिमेंबर द नंबर्स फॉर एग्जाम्पल एसर रिपोर्ट हो गई या इकोनॉमिक सर्वे हो गया तो अब इसकी कुछ कुछ चीज़ें कि रूरल लाइवलीहुड में क्या डिक्लाइन आया है ये तो हमें ये तो याद ही करना पड़ेगा बट अदर देन दैट रेस्ट ऑफ इट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड और जैसा कि मैंने कहा एग्जाम्पल से आप हमेशा सो द बेस्ट थिंग टू डू द बेस्ट डील इन सोशियोलॉजी इज यू रिमेंबर अ कॉन्सेप्ट थ्रू एन एग्जाम्पल अगर आपको मिसाल याद है राइट right? अगर आपको एग्ज़ाम्पल याद है तो आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद याद रहेगा इट्स नेवर याद हुए मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कॉन्सेप्ट याद करते हैं फिर एग्ज़ैम्पल याद करते हैं आम तौर पे हम हमेशा कॉन्सेप्ट को एग्ज़ैम्पल के थ्रू याद रख पाते हैं बिकॉज एग्जाम्पल आसान होता है याद रखना जैसे पेट्रिया की है अब पेट्रिया की एक कॉन्सेप्ट है बट पेट्रियाकी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल है तो अगर वो एग्जाम्पल आपको दिया गया और आपको वो एग्जाम्पल एकदम समझ में आ गया देन यू रिमेंबर द एग्जाम्पल एंड थ्रू दैट एग्जाम्पल यू रिमेंबर द इज कॉन्सेप्टेट्रियाकी और कास्ट इन इक्वालिटी और रिलीजियस इन इक्वालिटी जो भी है ठीक तो ये इसका स्कोप जो है ये सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है सो इट्स एक्साइटिंग विच एसेंशियली मीन्स लेस मगिंग अप सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया इसका सिलेबस छोटा है पेपर वन में दस यूनिट्स हैं पेपर टू में पंद्रह यूनिट्स हैं पेपर टू इज ऑल इंडियन सोसाइटी तो वो पेपर वन से ज़्यादा है बट वो जाहिर है बहुत करंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वगैरह उससे रिलेटेड है अब आते हैं मेन्स जो आपने बताया मेन् से रिलेटेड दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सी सोशियोलॉजी एक तो सीधा सीधा जो आपका जी एस वन इंडियन सोसाइटी है कंपोनेंट पता है आप लोगों को जी वन का इंडियन सोसाइटी का तो इंडियन सोसाइटी में आपका सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म रीजनलिज्म कम्युनलिज्मीजनलज्म पॉवर्टी ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट पॉपुलेशन ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इंडियन सोसाइटी सेक्शन है जो हमारा जी का है ये तो सीधा मतलब सीधा सीधा दिस इज फ्रॉम पेपर टू सो इफ यू डू योर पेपर टू वेल दिस इज सॉटेड ये नहीं जा रहा कहीं आपके हाथ से तो ये तो बिल्कुल श्योर शोर्ट सीधा सीधा जीएस वन का एक कॉम्पोनेंट हो गया ठीक अब इसके अलावा सो देर आर अ रेंज ऑफ थीम्स इन पॉलिटी दैट ओवरलैप विथ सोशियोलॉजी राइट कुछ कुछ जैसे मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी सिटीजनशिप गवर्नेंस सिविल सोसाइटी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट ये चीजें हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं ये चीजें हम सोशियोलॉजी पेपर टू में पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं ये सोशल मूवमेंट्स तो ये ओवरलैप है राइट right? तो पॉलिटी ठीक इसके अलावा इकोनॉमी में भी उतने ज्यादा तो नहीं बट फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर लुकिंग एट

आप इसमें कुछ ऐसी बातें लिख पाएंगे जो आम तौर पे जीएस वाले नहीं लिखेंगे सो योर कॉन्टेंट विल हैव मोर वैल्यू गेट इट तो एक हो गया पॉलिटी उसके अलावा इकोनॉमी आई डोंट थिंक ज्योग्रफी हिस्ट्री में है थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक में इट कैन हेल्प अ लिटिल बिट इन एनवायरमेंट आफ्टर दैट वी स्ट्रेट अवे कम टू एथिक्स अगेन यू गेट क्वाइट अ फ्यू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम सोशियोलॉजी दैट हेल्प यू बिल्ड के स्टडीज एंड दैस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कॉर्स एस ए अब एस ए में कैसे मदद होती है दो तरीके से होती है एक तो सीधी सीधी मदद है दैट द टॉपिक विल बी फ्रॉम पेपर टू वन ऑफ द टॉपिक्स और आप हर साल के ऐसे इसके जो टॉपिक्स अगर आप उठाएंगे वन वे और अनदर दे आर सोर्ट ऑफ अलाइन विद सम थीम ऑफ पेपर टू इंडियन सोसाइटी ठीक तो ये तो हो गया सीधा इसकी मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ बिकॉज़ ये आमतौर पे लोगों को पता होता है कि भाई कोई ना कोई टॉपिक ऐसे का जिसमें हमारी मदद हो जाती है जैसे इस बार पेट्रिया पे आ गया था सब सोशियोलॉजी वालों ने उसके ऊपर लिख दिया बट आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट एंड फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट आस्क आर सेल्व वॉट फॉर अ गुड ऐसे एक अच्छा ऐसे कब लिख कैसे लिखते हैं क्या जरूरी होता है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए चलिए कंटेंट अच्छा हो और क्या चलिए सिस्टमैटिक और क्या तो अगर आपकी कोई तैयारी करवाए एक अच्छा ऐसे लिखवाने पे, तो वो क्या करवाएगा वो किस चीज पे मेहनत करेगा आपके साथ या अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो मान लीजिए आप खुद खुद से आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे एक अच्छा ऐसे लिखना है कहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहली चीज़ तो जबान इफ यू राइट ऑफ कोर्स इफ़ यू राइटिंग इन इंग्लिश यू बेटर हैव सम ग्रिप ओवर द लैंग्वेज राइट अब अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप क्या ही कर लेंगे बट रिमेंबर अ गुड ऐसे इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है किसी को अच्छी अंग्रेजी आती है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अच्छा ऐसे लिख लेगा बिकॉज ऐसे इज नॉट सिंपली लैंग्वेज एस एज समल्स तो एक चीज़ तो ऐसे की है इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए उसके बगैर काम नहीं बनेगा वो तो मतलब दैट्स बियॉन्ड डिस्कशन इस पर तो बात ही नहीं होगी लेकिन इसके अलावा अ गुड ऐसे इज वन इन विच यू वीव इन दम्पोनेंट्स द राइट वे हिंदुस्तानी जबान में कहते हैं बुन्ना तो आपको जितने सो बेसिकली ऐसे में क्या टेस्ट किया जा रहा है ऐसे में ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ये कैंडिडेट किसी एक थीम पर एक ठहराव के साथ हजार से पंद्रह सौ वर्ड्स लिख सकता है दैट्स वेरी डिफिकल्ट इंसान अपने बारे में पंद्रह सौ वर्ड्स लिख पाएगा भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा किसको जानते हैं अपने आप ही को जो जानते हैं मैं कहूँ पंद्रह सौ वर्ड्स लिखो अपने बारे में सौ वर्ड के बाद से वो पता चला इधर उधर देख रहा है सो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट टू राइट थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड वर्ड ऑन अ पर्टिकुलर थीम तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्लो राइट आपका फ्लो सो बेसिकली पैराग्राफ वन शुड ऑटोमैटिकली सजेस्ट दिस इज द ओपनिंग जब पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो उसकी जो आखिरी लाइन है और अगले पैराग्राफ की जो पहली लाइन है दे हैजू बी अटन कंटिन्यूटी इसको हम कहते हैं फ्लो सो एज दैराग्राफ इज एंडिंग द रीडर ऑटोमेटिकली गेट्स कि ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसे एक अंदाजा लग जाएगी ये बात अपनी खत्म कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में उसी चीज को जहां छोड़ा था वहां से शुरू किया दिस इज द फ्लो सो एन एक्सलेंट एसे इज वन दैट हैज एन इमैक्यूलेट फ्लो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सिर्फ ऐसे में नहीं है एक अच्छे आंसर की भी यही खासियत है राइट right? कि फ्लो बिल्कुल सही होना चाहिए इंट्रोडक्शन क्रक्स कंक्लूजन पर आप लिखते नहीं है इंट्रोडक्शन वो एग्जामिनर देख के ही समझ जाता है कि ये इंट्रोडक्शन है देख के ही समझ जाएगा ये तीन पैराग्राफ जो है ये क्वेश्चन की डिमांड्स की जिस्ट है और देख के ही समझ जाएगा ये जो पैराग्राफ है कंक्लूजन यू डोंट हैव टू राइट बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मेन बॉडी यू यू नेवर डू दैट यू जस्ट राइट फाइव पैराग्राफ्स इन अ टेन मार्कर्स सोशियोलॉजी पाँच पैराग्राफ्स आप लिखते हैं पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन है आखिरी पैराग्राफ आपका कंक्लूजन है और बीच के तीन से चार पैराग्राफ आपका जिस्ट है क्रक्स खैर तो एक अच्छे ऐसे की खासियत ये होती है कि आप जितने भी आपके कोर आर्ग्यूमेंट हैं आप उनको एक दूसरे के साथ अच्छे से बुनते हैं सो द बेटर यू डू इट द हाइस को यूल गेट तो जबान आनी जरूरी है उसके बगैर तो काम ही नहीं है बट जबान के साथ साथ यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ सर्टन फ्लो टू द नरेटिव बारह सौ वर्ड्स हजार वर्ड्स आप कैसे लेके चलेंगे शुरू कहाँ से करेंगे एंड विच इज वाई आप जैसे ही ऐसे ही का टॉपिक देखते हैं आप पहले एक आउटलाइन बनाते हैं दिमाग में आप छह पॉइंटर्स लिखते हैं या सात पॉइंटर्स लिखते हैं और हर पॉइंटर आपका एक बड़ा पैराग्राफ होता है उसी हिसाब से फिर आप एक पूरा ऐसे लिख देते हैं बट एनी ऐसे का डिस्कशन नहीं है सो so, ऐसे के लिए लैंग्वेज एंड देन फ्लो विच एसेंशियली मीन्स पैकेजिंग इंटर कनेक्शन ये सब जरूरी है अब सोशियोलॉजी यहाँ पे क्या मदद करता है एक तो मैंने आपको बता दिया सीधे सीधे थीम में मदद कर देता है क्या आपने थीम देखी आपने रहे हैं तो मुझे पता ही है तो एक तो वो हो गया बट ज़्यादा मदद उसकी कहाँ पर होती है फ्लो में सोशियोलॉजी हेल्प्स यू ड्रॉ कनेक्शन ये एक डिसिप्लिन की खासियत है सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद ब खुद चीजों के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करना सीख जाते हैं खुद से और ये एक बहुत अच्छी चीज है इन जनरल आंसर राइटिंग के लिए सिर्फ ऐसे के लिए नहीं किसी भी आंसर राइटिंग में एग्जामिनर हमेशा उस आंसर से इंप्रेस होता है जहां पर अच्छे कनेक्शन ड्रॉ किए जाते हैं क्योंकि एक आंसर तो है किताबी जो मुझे लगता है सौ में से नब्बे लोग लिख रहे हैं क्योंकि वो किताब पढ़ गए हैं और कुछ आंसर्स होते हैं जो किताब से भी होते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ दे ड्रॉ सम वेरी एक्साइटिंग कनेक्शंस एंड दैट इज़ द आंसर दैट अपील्स टू द एग्जामिनर ठीक तो सोशियोलॉजी हमारी मदद करती है वो कनेक्शन ड्रॉ करने में तो अगर आप अच्छे से कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब है आप लिखेंगे अच्छा और अगर आप अच्छा लिखेंगे तो चाहे दस नंबर का सवाल हो चाहे बीस नंबर का सवाल हो या फिर ऐसे हो आप अच्छा लिखेंगे अच्छा लिखने वाला कभी भी वो नहीं होता है जो कहे दस नंबर का तो मैं अच्छा लिख लेता हूं लेकिन ऐसे नहीं अच्छा लिख पाता हूं नो इफ यू राइट वेल यू राइट वेल यू आर एबल टू पुट योर आर्ग्यूमेंट फॉर अ टेन मार्क वन वे यू आर एबल टू पुट योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ ट्वेंटी मार्क अनादर वे एंड यूर एबल टू पैन इट आउट फॉर एन एसे इन अनादर वे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड आई कैन से दिस ऑन रिकॉर्ड दैट देर इज नो अदर ऑप्शनल That helps you in essay as much as sociology. इस पर मैं बहुत clear हूँ कि ये जो connections draw करने की जो चीज है ये sociology से मिलती है ठीक So this is something that you have to keep in mind. So ये essay में भी आपकी मदद कर रहा है और जैसा कि मैंने बताया GSK एस के और कॉम्पोनेंट्स में चाहे वो इकोनमी हो पॉलिटी हो उसमें मदद कर रहा है एक और चीज है सोसियोलॉजी में अगर आप अच्छे से सोशियोलॉजी करते हैं यू ऑलवेज हैव वेरी गुड फिलर्स फिलर्स समझते हैं आप लोग फिलर्स नहीं बताओ क्या कह रहा हूँ नहीं नहीं वो नहीं फिलर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहीं चिपकाने के लिए तैयार होता है तो कई बार ऐसा होता है इन योर मेन्स एग्जामिनेशन योर राइटिंग सोशियोलॉजी का पेपर नहीं आप अपना मान लीजिए जीएस हिस्ट्री में कुछ लिख रहे हैं पॉलिटी में आप कुछ लिख रहे हैं एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू गेट ट्वेंटी वर्ड्स टू फिट द बिल वो फंस रहा है वहां पे सोशियोलॉजी आपकी कई बार मदद करती है बिकॉज आपने सोशियोलॉजी में इतनी चीजें इधर उधर की पढ़ रखी होती हैं दैट यू कैन सिंपली पिक एंड यूज इट तो इट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इट बेल्स यू आउट इट कम्स टू योर रेस्क्यू बिकॉज इट वेरी ऑफन प्रोवाइड्स एक्सेलेंट फिलर्स तो ये फिलर्स जो हैं आप अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं कई बार आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप इसको चिपका सकते हैं बिकॉज आपने बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ा हुआ है आपने बहुत सारी कंसेपचुअल क्लैरिटी आपके पास है तो मेन्स में आप लिख रहे हैं पॉलिटी पर नहीं आ रहा है दिमाग में आपने उधर से उठा के डाल दिया ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सोशियोलॉजी की तो जैसे कहते हैं जब मुश्किल वक्त में ये आपकी होपफुली अगर आपने सोशियोलॉजी अच्छे से किया हुआ है

पर्सनैलिटी असेसमेंट राउंड में इट्स अ वंडरफुल ऑप्शनल टू हैव बिकॉज ये क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा होता है इंडियन सोसाइटी की पचासों चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है सो अ गुड सोशियोलॉजी कैंडिडेट इज ऑलवेज अ डिलाइटफुल पर्सन टू स्पीक टू राइट द बोर्ड इज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे होते हैं जो कई बार बोर्ड मेंबर्स को भी नहीं मालूम होती है लेट्स ए स्मार्ट सिटीज ना यूर रेफरिंग टू सम ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट डन सम हुेंट वर्क और वो आपने अपने पेपर टू में पढ़ा था तो आपने उसके बारे में बता दिया सीसी सर्वेलेंस का गाँव की जिंदगी पे क्या असर पड़ा कोविड के दौरान दिस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट सडनली द बोर्ड मेंबर्स आर में फ्लोर्ड बाई इंटरेस्टिंग स्निपिट्स दैट यू आर ऑफरिंग तो पर्सनैलिटी असेसमेंट राउंड में सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल इज ऑलवेज अ वंडरफुल ऑप्शन और ऑप्शन भी अच्छे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सोशियोलॉजी ही एक ऑप्शनल है बट जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं खासतौर पर सोशल ईशूज़ या इंटरनल मैटर्स या बहुत सारे अभी जो हमारे डिबेट्स चल रहे हैं चाहे वो सेकुलरिज़म को लेके ले ले कर हों कास्ट के क्वेश्चन को लेके कर हों पॉलिटिक्स को लेकर के हों इन जनरल रिलीजन के इश्यूज़ हैं आइडेंटिटी इश्यूज़, सोशल मूवमेंट्स ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं सो यू कैन ऑलवेज़ ऑफर एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स इसके अलावा कुछ सिंपल सी चीज़ें भी हैं जैसे सिलेबस इसका बहुत मुश्किल नहीं है इसकी ज़्यादातर थीम्स ऐसी हैं जिनसे आप जो मैं बता रहा था आपको यू कैन इमीडिएटली एसोसिएट एंड यू कैन बोरो फ्रॉम अ रेंज ऑफ सोर्सिस फिल्म सॉन्ग्स एट्सट्रा जी जी हाँ सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू ओके थैंक यू अब मैं आता हूँ आपके

और अगर आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो वो पता चल जाता है कि इसमें क्या है आम तौर पर यूनिट वन तीस नंबर यूनिट टू तीस से चालीस ये वेरी करता है यूनिट फोर नाइन्टी टू हंड्रेड ये थिंकर्स नाइन्टी टू हंड्रेड अगेन फोर्टी टू फिफ्टी पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन ना फोर्टी टू सिक्सटी उसके बाद से फिर वर्क सो so बेसिकली एक अंदाज़ा आपको हमेशा से होता है कितने नंबर का कहाँ कहाँ से आ रहा है रिमेंबर जब भी मैं बता रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 120 या 50 या 40 ये कितने नंबर में से बता रहा हूँ मैं ऑप्शनल कितने नंबर का होता है आहा, 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 पेपर कितने नंबर का होता है 250 का तो करते हो पेपर कितने नंबर का होता है चार सौ नंबर का कैसे ये भी बता देता हूं पहला सवाल पांच दस नंबर के सवाल शॉर्ट नोट्स कंपलसरी ठीक दूसरा सवाल बीस बीस दस सो बेसिकली सेक्शन ए एक है उसमें चार है तीसरा एग्जैक्टली exactly ऐसे ही चौथा एग्जैक्टली exactly ऐसे ही कितने नंबर हो गए 200, ये सेक्शन ए हो गया ठीक अभी पे, एक ही पेपर में सेक्शन ए हो गया ऐसे ही सेक्शन बी में एग्जैक्टली exactly यही चीज होती है पांचवे में फाइव इंटू टेन छठे में बीस बीस दस सातवां वही और आठवां वही 400 नंबर हो गए इसमें से पहला कंपलसरी है करना ही है और पांचवा कंपलसरी है इसके अलावा तीन करने हैं। तीन में क्या करना है कम से कम एक किसी एक सेक्शन में से करना ही है और ज्यादा से ज्यादा दो करने हैं। गणित, ठीक तो यानी अगर आपने यहां से दो उठा लिए तो डेढ़ सौ का इधर से कर लिया यहां से आपको एक उठा लीजिए डेढ़ सौ सौ ढाई सौ ढाई सौ नंबर का पेपर होता है बट पेपर का जो पूरा वेटेज है वो चार सौ है ठीक ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है मतलब वो दिमाग नहीं लगा पाते इट्स 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 मोर ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन वो आम तौर पे हमेशा ये सोचते हैं जब मैं कहता हूँ उनसे कि थेरी में से 120 नंबर का आएगा तो उनको लगता है 250 में से 120 नंबर का आएगा नो no. 400 में से 120 नंबर का आएगा ठीक सो बेसिकली पेपर वन की एक खासियत ये है पेपर वन में जब हम पेपर वन की बात करते हैं ये ज्यादा आसान है आसान से मतलब ये नहीं कि पेपर टू मुश्किल है इसकी तैयारी करने में बहुत ज्यादा मार काट नहीं है पेपर वन का बहुत सिंपल लॉजिक है एट्टी परसेंट डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड या एक्सटेंशन क्वेश्चंस। एक आध सवाल कभी कभी जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है होता है उसमें क्या कर लोगे चॉइस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो पेपर वन का मामला बहुत सिंपल है अस्सी परसेंट और अगर आपका दिन है इफ़ यू आर रियली लकी दिस कुड इवन बी एटी फाइव परसेंट डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब यह है कि बिल्कुल सीधा सीधा जो आपने पढ़ा है वही पूछ लिया है ठीक आमतौर पर स्टूडेंट्स आर कंसर्न अबाउट इनडायरेक्ट जब भी हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से बात करते हैं कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करना है वो किनके बारे में घबरा रहे हैं घबराना चाहिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसमें भी एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए 20 परसेंट पे तो मैं आऊंगा बाद में पहले बात करते हैं 80 परसेंट की 80 परसेंट ढाई सौ का कितना हो गया 200 नंबर के पेपर की बात हो रही है डायरेक्ट सवाल का क्या मतलब है? डायरेक्ट सवाल का मतलब यह है कि जब आपने सवाल देखा तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपको यह समझ में आ गया ये तो मुझे आता है ठीक जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं एक सवाल आ गया सीधा सीधा आ, वही सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में सवाल आ गया कि आउटलाइन द डिफरेंसिस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस दिस इज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट कैन गेट इस सादा सीधा सवाल हो ही नहीं सकता इस सीधा सवाल है तो आपने पढ़ रखा है सवाल सीधा है आप क्या करेंगे आप लिखना शुरू करते हैं सो लेट्स एट्स अ टेन मार्क दस नंबर का सवाल आपने सवाल पर जवाब लिखना शुरू किया आपने पूरा जवाब लिखा एंड देन यू आर वेरी हैप्पी ऑफकोर्स यू आर हैप्पी राइट एक सवाल आया था उस पर हमने अच्छा जवाब लिखा तो ये जितने भी डायरेक्ट सवाल हैं अब वो चाहे दस नंबर के हों या बीस नंबर के हों इन पे आपने अच्छे से लिखा एंड यू आर आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कि मैंने अच्छा कर दिया है हो गया बट व्हाट हैपन्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एट्टी परसेंट अभी मैं बीस परसेंट नहीं आया हूं यूजअली वॉट हैपन्स सी जनरली स्पीकिंग जो आप जवाब लिखते हैं या जो आमतौर पर यूपीएससी में जो यूपीएससी मार्केट में जिस तरीके का कंटेंट है ज्यादातर लोग एक ही तरीके के जवाब लिखते हैं ठीक तो जब आप एक ही तरीके का जवाब लिखते हैं अब आपने मेंस एग्जाम दे दिया अब आपकी कॉपी जा रही है चेक होने के लिए तो मेंस एग्जाम की जब कॉपियां चेक होती हैं तो आमतौर पर मतलब दिस इज द प्रैक्टिस एग्जामिनर्स गो टू यूपीएससी एंड दे स्टे देर And they stay there for three days, one week, जो भी जितना लोड है they get piles. तो मान लीजिए अगर मैं गया मैं जाता नहीं हूँ but मिसाल दे रहा हूँ अगर मैं गया तो मुझे एक दिन के लिए वो मान लीजिए उन्होंने तीस कॉपियाँ दे दी या पंद्रह कापीज़ दे दी डिपेंड करता है क्योंकि अच्छा खासा होता है चेक करने का मामला अब मान लीजिए मेरे पास बीस कापीज़ हैं मैंने देखना शुरू किया तो ये जो सवाल था सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस पहली कापी में देखा तो पढ़ा ठीक है कितने नंबर दूंगा जवाब सही है आप बताइए यूपीएससी में नंबर का मामला बहुत बुरा है बट टॉपर जो हैं वो 50-55 परसेंट पर टॉप कर रहे हैं कितने आ रहे हैं टॉपर के इस बार के टॉपर के कितने 1100 प्लस ही तो होंगे तो 1100 बेसिकली कितना हो गया बावन तिरपन परसेंट हुआ डी के हिसाब से तो सेकेंड डिविजन है ये एक्चुअली सेकेंड हाँ सेकेंड डिवीजन राइट तो यूपीएससी में नंबर को लेके बड़ी मार काट है बहुत कम नंबर देते हैं ये तो बहुत अच्छा भी अगर आपने लिखा है तो ये दस में से आपको पांच पकड़ा रहा है बहुत अच्छे से मतलब जो रूटीन जो सभी लिख रहे हैं आपने भी लिख दिया ये केस है पहली कॉपी के साथ ठीक और अगर बीस नंबर का सवाल है ग्यारह पकड़ लो ठीक अब आगे चलते हैं दूसरी कॉपी फिर वही सोशियोलॉजी इन कॉमन सेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉपी की है बट क्योंकि सभी लोग एक ही किताब पढ़ रहे हैं कुछ उसी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं वही पॉइंटर्स हैं कुछ नया तो कोई ला नहीं रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर दूसरे आदमी को भी दे दिए पाँच आपको क्या लगता है अगर बीस की बीस कॉपीज में रफली यू हैव द सेम कॉन्टेंट डू यू थिंक दैट आफ्टर अपॉइंट कैंडिडेट आर गोइंग टू गेट फाइव दे वीसरी चौथी कॉपी से फिर उसके बाद चार और आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे बाई द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द पाइल इट कैन ईवेन गेट टू अब मान लो तुम्हारी कॉपी सबसे नीचे तो तुम्हारी क्या इसमें तुम्हारी क्या गलती है भाई तुम्हारी किस्मत खराब है जिस चक्कर में हमारे डेढ़ नंबर रह गए नाउ रिमेंबर आपने कुछ गलत नहीं लिखा है आपने लिखा सही है और एग्जामिनर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट राइट उनके पास वो डिटेल्स थोड़ी ना नहीं ये लड़का तो मुझे पसंद ही नहीं है इसका नाम मुझे अच्छा नहीं लगता है नहीं नन ऑफ दैट इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग बट इट्स ऑल्सो वेरी ह्यूमन थिंग अगर आप एग्जामिनर की जगह पे होंगे आप भी यही करेंगे सो वॉट डू यू डू देन हाउ कैन यू डू समथिंग अबाउट इट तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि ये जो फाइल है राइट right? इसमें आपकी कॉपी कहीं पे भी हो ड मैटर अभी क्या हो रहा है इट मैटर्स ऊपर है तो पांच नंबर मिल जाएंगे थोड़ा और नीचे गए तो आधा नंबर और रिमेंबर यूपीएससी में एक एक नंबर से बहुत कुछ हो जाता है एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है एक नंबर से इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है एक नंबर से कैडर बदल जाता है एक नंबर से सर्विस बदल जाती है एक नंबर हुआ रैंक उधर पता चला आई एस वहीं पर आकर रुक गया आपका आपके रैंक से ऊपर वाले को आई एस मिला है और आपको आई पी एस मिला है एक नंबर राइट right? आम आम जिंदगी में लगता है एक नंबर क्या होता है बट यूपीएससी में तो भैया उससे पूछो जो छह बार इंटरव्यू दे चुका है दो बार एक नंबर से रह गया है वो बताता है एक नंबर से भाई साहब बहुत कुछ हो जाता है एंड सो ऑन राइट सो इट्स लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइटली अबाउट दिस क्या रहे? एक ही नंबर ना एक ही नंबर होता है जो सब कुछ कर देता है सो so, अब हमें क्या करना है सो लेट्स से दैट यू राइट एन आंसर इन विच यू ऑफ अ वैल्यू एडिशन आपके आंसर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्रेडिबल है ऑथेंटिक है सोशोलॉजिकल है जो उस पूरी पाइल में इन ऑल लाइटलीहुड और लोगों के आंसर में नहीं है अब क्या होगा तो अब चाहे आपका आखिरी हो चाहे पहला हो डजेंट मैटर यू विल इन ऑल इनऑल एट लीस्ट गेट अ फाइव एंड हाफ एंड इफ इट इज योर डे जिसको कहते हैं अगर आपकी किस्मत है ऑन अ टेन मार्क सो दिस इज वॉट आई टेल स्टूडेंट्स दैट द टेल्सेंट्स एट द मोमेंट लेट अस वर्क ऑन दी परसेंट फर्स्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको करना ही नहीं है बट ये जो अस्सी परसेंट है जिसमें हर सवाल आपको आता है उसमें क्या कोशिश होनी चाहिए उसमें सी यूपीएससी इज वेरी सिंपल यूपीएससी में आपको बस बराबर वाले से एक नंबर आगे भागना है रेस का तो यही लॉजिक है ना आगे निकलते रहना है अब बिल्कुल आगे जाओ ना जाओ बट इतनी आगे तो रहो कि रेस में रहो बिकॉज देर आर सो फॉर एग्जाम्पल इन मैराथॉन्स बहुत सारे लोग बहुत पीछे होते हैं उनको तो कोई देख ही नहीं रहा है या स्प्रिंट में शुरू के तीन लोगों को देख रहे हैं चेस फॉलो करते हैं आप लोग नहीं अब एक कैंडिडेट्स हो रहा है तो कैंडिडेट्स में आठ प्लेयर्स खेल रहे हैं अब इसमें से जो जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेगा अगले साल उनके साथ होगा तो कैंडिडेट्स में जो नीचे जो दो, दो लोग हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि अगर ये जीत भी जाएंगे तो ये भी उतना तो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे बात हो रही है शुरू के चार पांच लोगों की कि भाई ये लोग जो हैं इनमें से ही है सो यू हैव टू बी इन द रेस इवन इफ यू आर नॉट एट द टॉप जरूरी नहीं कि आप सबसे आगे हो बट आप कम से कम उतनी दूर तो हो रेस में जहां पे ये लगता है कि आप आगे निकल सकते हैं एक आदमी तीन लैप पीछे चल रहा है मैराथन में उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेगा वो कहां चला जाएगा कितनी तेज भाग लेगा तो, आ, so, case, half, say, तो आप यू हैव टू बी इन द रेस यू हैव टू बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट सो इन दिस केस इफ यू गो टू फाइव एंड हाफ एंड लेट्स एक आंसर से आप हर आंसर में एक नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं मिनिमम। और अगर कहीं आपकी किस्मत अच्छी है तो आप डेढ़ दो अगर आप हर आंसर में एक नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप पांच आंसर्स लिख रहे हैं क्वेश्चन से, 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 से पांच और फिर उसके बाद से तीन ये है. तो अगर आप मिनिमम एक नंबर पकड़ रहे हैं यानी एवरेज जो आंसर स्कोर हैं अगर आप तो पांच और तीन आठ और तीन ग्यारह और, और पांच सोलह उन्नीस सो बेसिकली यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स हायर ये बेर मिनिमम है इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई ये जो 80 परसेंट है इसको हल्के में मत लो जो सीधा सवाल होता है ना वहीं पे तो सारा स्कोप है क्योंकि सीधा सवाल तो सभी लिख रहे हैं आपको वहां पर बढ़िया लिखना है और जहां आपने बढ़िया लिखा औरों को मिल रहे हैं चार पांच आपको मिल रहे हैं छ साढ़े छः और को मिल रहे हैं ग्यारह आपको मिल रहे हैं तेरह सो हाउ वट डू यू डू आप एक पेपर में विच इज पेपर वन यू गेटिंग ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी मार्क्स एक्स्ट्रा एंड दैट्स इधर बीस नंबर बढ़ा लो पेपर टू में बीस नंबर बढ़ा लो चालीस नंबर बढ़ा लिया आपने अब वो तो डिपेंड करता है आप हो कहां पे इफ यू आर टू थर्टी मटीरियल देन यू गेट टू सेवेंटी इफ यू आर टू फिफ्टी मटीरियल देन यू गेट टू नाइनटी इफ यू आर आर टू सेवेंटी मटीरियल यू आर गोइंग बियॉन्ड थ्री हंड्रेड दैट्स हाउ इट इज यू गैट इट सो आई एम नॉट गारंटिंग कि आपको तीन सौ मिल जाएंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं जहां तक आप पहुंच सकते हैं उसके ऊपर आपको तीस नंबर और मिल जाएंगे इसकी मिसाल ऐसे समझिए बिल्कुल देसी मिसाल है गन्ने के जूस की मशीन देखिए गन्ने का जूस निकालता है वो तो आपने पिया है कभी वहां तो आप जब उससे कहते हैं तो गन्ने डालता है एक वक्त के बाद से आपको लगता है कि अब यह गन्ना नहीं डालेगा उसके बाद से वो छह बार और डालता है उसको आप समझ रहे हैं बात को बिकॉज यू आर कन्विंस्ड कि भाई अब इसमें कुछ बचा नहीं है उसको मोड़ के टेढ़ा करके चार बार घुमा के मशीन और टाइट करके सो so, कहने का मतलब ये दैट सो बेसिकली so गन्ने के मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं जिस वक्त वो आदमी उस गन्ने के छिलके को फेंकता है यू आर कि अब इसमें एक बूंद नहीं बचा हुआ है वो छोड़ता नहीं है जब तक कि उसमें जब अगर उसको लगेगा ना कि मैं एक बार इसको और निकालूंगा इतना सा जूस और आ जाएगा वो फिर डाल देगा उसको सो वेन ही थ्रोज वॉट एवर इज लेफ्ट उसको भी पता है कि अब इसमें कुछ नहीं बचा अब ये सिर्फ और सिर्फ छिलका है इसमें देर नथिंग लेफ्ट क्योंकि ऑलरेडी छः बार उसको मोड़ के तोड़ के रगड़ के मरोड़ के सब जगह से डाल चुका है वो उसे सो नाउ यू आर जब आपको लगता है भाई अब तो हो गया बस अब उसके बाद से मैंने बताया ना उसके बाद छः बार और डालता है वो कई बार आपको ही बोलना पड़ा भाई बस करो भाई क्या कर रहा हो ये इतनी बार क्यों डालना है एग्जैक्टली द सेम वे जो क्लास होती है या जो अभी मैं उस पर भी आऊंगा जो हैंड आउट्स आपको दिए जाते हैं ये हैंड आउट्स सबके लिए एक जैसे हैं ये क्लास सबके लिए एक जैसी है इसी क्लास से बहुत सारे लोग 280 के ऊपर चले जाते हैं इसी क्लास से बहुत सारे लोग 250 के नीचे रह जाते हैं क्लास एक ही है आप बात समझ रहे हैं तो ये और हैंड आउट वही है तो ये गन्ना है अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना रस निकाल दोगे सो देंड आउट कैन ऑलवेज गेट यू थ्री प्लस ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जो हैंड आउट क्लास के मैं बताऊंगा उसके बारे में जो हैंड आउट दिए जाते हैं जिसकी रोशनी में पूरी क्लास होती है उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको 300 से ऊपर दिला देगा क्या आपके अंदर वो जिसको कहते हैं वो जुझारू इंसान है दैट कैन गेट 300 हंड्रेड फ्रॉम देंड आउट सो इट्स एग्जैक्टली लाइक द शुगर केन जूस मशीन वो बिल्कुल वही वो मेरे एकदम दिमाग में हमेशा वही एग्जाम्पल आता है कि भैया हमें हमें गन्ने का रस निकालने को कहा जाएगा तो हम शायद आधा रस छोड़ ही दें उसमें हमने देखा ग्लास भर गया इसको दो ख़त्म करो वो जो दुकान वाला है वो तो चार ग्लास निकालता है हमने एक ग्लास भरा दिया उसको फेंक दिया सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट सो अगेन एट्टी परसेंट इस पर मेहनत करनी है तो ये जो दो सौ हैं इसमें से अगर रूटीन लोगों के मान लीजिए नब्बे से सौ आ रहे हैं तो हमारी मेहनत होनी चाहिए कि हम इसमें से और फिर जो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको छोड़ेंगे इसको भी नहीं छोड़ना है बट इसको हल्के में नहीं लेना है अरे ये तो डायरेक्ट है तो हो जाएगा नहीं भाई साहब ये दिस इज नॉट इट्स नॉट दैट सिंपल इट इज सो दिस ट्वेंटी परसेंट ये हो गया आपके पचास नंबर जी तोड़ मेहनत करें कोशिश करें कि हर हालत में बाईस से पच्चीस के बीच में हम इधर रहे अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाते हैं तो ये दोनों को मिला दीजिए वी आर लुकिंग एट वन फोर्टी ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है विच इज टू दिस इज बे मिनिमम कि इतने तो आ ही जाएंगे लेकिन हमें कुछ चीजें तरीके से करनी होंगी ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मास्त्र चला दिया हो गया ये हो गया पेपर वन तो पेपर वन में जैसा कि मैंने बताया चीजें दे आर ईजियर इसके बहुत सिंपल लॉजिक है इसकी अपनी एक ट्रेंड है आप वो एक बार पी वाई क्यूज देखेंगे आंसर राइटिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट और आप इतने इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप बता देंगे कि 2024 सॉरी 2024 तो नहीं बट 2025 के मेंस में ये ये सवाल आएंगे ये कम से कम इन थीम्स पे सवाल आएंगे यू विल बी एबल टू फिगर दैट आउट अब हम आते हैं पेपर टू पे इससे रिलेटेड कोई सवाल कोई सवाल नहीं पेपर टू का मामला थोड़ा सा अलग है पेपर टू में क्या है तीन पार्ट्स हैं पार्ट्स ए बी सी पेपर टू में पंद्रह यूनिट्स ठीक पार्ट ए दो यूनिट्स ठीक पार्ट बी यूनिट्स और पार्ट सी ये ब्रेकअप है पेपर टू का पेपर टू ज्यादा डायनामिक है मतलब पेपर वन स्टैटिक है यानी ज्यादातर एक्सपेक्ट पेपर टू थोड़ा सा डायनामिक है अब पेपर टू में क्या होता है ये जो हमारी दो यूनिट्स वाला है ये पूरा का पूरा डायरेक्ट है सीधा इसमें कुछ एप्लीकेशन बेस नहीं है यह करीब चालीस नंबर का है चालीस कितने में से चार सौ में से ढाई सौ मत बोलना सब लोग ढाई सौ बोलते हैं इंटरव्यू की तैयारी वाले भी ये करते हैं चालीस नंबर का दो यूनिट्स में से सीधे सीधे तीस से चालीस बेसिकली अगर आप रेंज पकड़ेंगे डायरेक्ट सवाल है फिर हम आते हैं पार्ट बी में छह है, यूनिट्स हैं ये है आपकी 150 से 160 नंबर का ठीक ये जो यूनिट है ये जो पार्ट है ये आप पकड़ लीजिए 70% परसेंट डायरेक्ट 30% परसेंट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड करंट अफेयर्स उस तरीके का सही है उसके बाद से हम आते हैं पार्ट सी पे 200 नंबर का सीधा सीधा इसका मामला क्या है अगर बहुत आगे जाएगा तो 60 40 यानी 40 इनडायरेक्ट 60 डायरेक्ट वरना रूटीन जो इसकी प्रैक्टिस देखी गई है वह है 65 35 तो कहने का मतलब यह है अगर आप ये सब मिला दें तो एक टेंटेटिव आइडिया हमें यह बताता है कि पेपर टू की जो गणित है वो कुछ ये है पैंसठ परसेंट डायरेक्ट और पैंतीस परसेंट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा कोई कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम पूछ लेगा कास्ट से रिलेटेड कुछ कंटेम्प्रेरी इशू पर बात कर लेगा तो उस तरीके से सो दिस इज पेपर वन में इट वॉज एटी ट्वेंटी ठीक एंड इफ इट्स योर डे इट्स एटी फाइव फिफ्टीन इसमें भी इफ इट्स योर डे इट कुड वेरी वेल बी इवन सेवेंटी थर्टी बट दिस इज द सेफेस्ट रेशियो दैट वी आर वर्किंग विथ अब पेपर टू में क्या दिक्कत रहती है और यह मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ पेपर टू में सबसे बड़ी दिक्कत होती है सोशलॉजिकल कॉन्टेंट की सोशोलॉजिकल कॉन्टेंट का क्या मतलब है अब मनरेगा है मनरेगा के बारे में मालूम है मनरेगा के बारे में जीएस वाले को भी मालूम है तो मनरेगा पे अगर ऑप्शनल में सवाल आएगा तो ऐसा क्या लिखोगे जो जीएस वाला नहीं लिखेगा समझ गए आप बात समझ रहे हैं मनरेगा पे जीएस वाला भी लिख रहा है ठीक राइट टू एडुकेशन एन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मार्ट सिटी ग्रीन एग्रीकल्चर यू नेम इट पचासों चीजें हैं ये यह यहां पर पेपर टू हो जाता है ट्रिकी सो so, आमतौर पे व्हाट यूजुअली पीपल डू इज दे प्रोवाइड जीएस मटेरियल, बट जीएस मटेरियल मटीरियल डजेंट हेल्प क्योंकि जीएस मटेरियल तो भाई मान लीजिए मैं आपको सोशियोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ मनरेगा पता है जीएस में भी मनरेगा पढ़ा रहा है जो वो पढ़ा रहे हैं वही मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी लगेगा भाई चल क्या रहा है अगर यहाँ और इसीलिए पेपर टू मुश्किल भी है लेकिन पेपर टू में अपॉर्चुनिटी भी है हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है राइट right? एक जर्मन फिलोसोफर कहते हैं द वेरी फैक्ट दैट देर इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डू मस्ट बी द रीजन टू डू इट अगर कोई चीज़ मुश्किल है वो यूपीएससी मुश्किल तो है क्यों कर रहे हैं भाई मुश्किल है तो करना है आर्गूमेंट तो यही है सो so, पेपर टू मुश्किल है मुश्किल से मतलब ये इट्स मोर चैलेंजिंग मैं उसको मुश्किल नहीं कहूंगा इट्स मोर चैलेंजिंग देन पेपर वन लोग बहुत घबराते हैं बट द पॉइंट इज अगर कोई चीज मुश्किल है तो आपके लिए वहां स्कोप है इफ यू आर एबल टू नेल इट देन यू विल बी अहेड ऑफ अदर्स ठीक सो कहने का मतलब ये अगर पेपर टू में इफ यू हैव सोशियोलॉजिकल कॉन्टेंट देन यू आर ऑटोमेटिकली अहेड बिकॉज बिलीव मी पेपर टू कोई अच्छे से नहीं करवाता है यू कैन गो अराउंड पेपर टू पेपर वन लोग बहुत लंबा लंबा करवाते हैं नब्बे क्लासेस पेपर वन की और पता चला बीस क्लासेस में पेपर टू हो गया और कैसे होता है हैंड आउट्स पूरा जी एस के हैंड आउट पकड़ा दिए पॉपुलेशन पे दे दिया किनशिप पे दे दिया अब भाई फैमिली मैरिज ये तो जी एस में ही पढ़ाते हैं चाइल्ड मैरिज पॉवर्टी रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन विलेज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा एग्रीकल्चर ग्रीन रेवल्यूशन ये सब तो जीएस में पढ़ाते हैं ये सोशियोलॉजी में भी है तो सोशियोलॉजी में मैं आपको ऐसा क्या बताऊंगा जो जीएस में आपको नहीं मिलेगा और यही जरूरी है आई हैव टू गिव यू सोशियोलॉजिकल कॉन्टेंट नाउ आई कम टू वॉट इज इट दैट वी ऑफर एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट कोई सवाल है अभी सो बेसिकली वॉट वी डू इज वी ऑफर अ हैंड आउट्स तो हमारी क्लास का तरीका क्या होता है हम पहले से हैंड आउट्स दे देते हैं तो हैंड आउट्स की दो फॉर्मेट्स हैं सॉफ्ट कॉपी जो अपलोड हो जाती है पोर्टल पे तो जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं जैसे इसमें भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो ऑनलाइन जुड़ते हैं वो वहाँ से देख लेते हैं और जो लोग ऑफलाइन होते हैं वो यहीं पे ही क्लास से पहले देख कलेक्ट सो व्हेन यू एंटर द क्लास यू हैव द आउट ठीक यू हैव दी हैंड आउट आई हैव दी हैंड आउट और हम पूरी की पूरी क्लास हैंड आउट से करते हैं सो so, जो हैंड आउट में लिखा है उसको एक्सप्लेन किया जाता है उसमें अंडरलाइन करवाया जाता है उसमें यह बताया जाता है कि क्या चीज़ इंट्रोडक्शन के लिए लिखनी है क्या चीज़ कंक्लूजन के लिए हर क्लास में बार बार मैं ये बताता हूं कि भाई ये चीज़ को अंडरलाइन करिए दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट तो हैंड में हम क्या करते हैं इटैलिक समझते हैं ना जो तिरछी फोन्ट होती है तो हम हैंडट्स में जब इटैलिक्स में चीजों को लिखते हैं इट मीन्स कि स्टूडेंट्स शुड पे मोर अटेंशन टू दिस सी इट्स वेरी सिंपल किसी भी आंसर को लिखने के लिए दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज टेल आर स्टूडेंट्स इफ यू हैव टू राइट अबाउट एनी थिंग यू मस्ट फर्स्टली नो वॉट इज दैट वन थिंग दैट यू मस्ट राइट किसी भी चीज के बारे में जैसे मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको सोशियोलॉजी में लिखना है अब आपको वो एक चीज पता होनी चाहिए जो आपको हर हालत में लिखनी है विच मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो हाउ डू वी प्रिपेयर कैसे हम तैयारी करवाते हैं किसी भी थीम पे वी ऑलवेज आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर अ ट्वेंटी मार्कर हर थीम पे चाहे पिछले दस साल से उस थीम पे दस नंबर का सवाल आ रहा हो लेकिन तैयारी हमेशा बीस नंबर की होगी क्यों मैं बताता हूं वेन यू प्रिपेयर अ ट्वेंटी मार्कर वॉट डू यू डू ट्वेंटी मार्कर का बहुत सिंपल लॉजिक है पहली चीज इंट्रो ठीक, तीस वर्ड्स का मतलब इतना गिना चुना नहीं बट एक अंदाजे के तौर पे, इंट्रो के बाद से दूसरा पैराग्राफ तीसरा चौथा पांचवा, ये सारा का सारा आपका है डिमांड क्वेश्चन की थोड़ा और आगे जाना है छ पैराग्राफ छोटे छोटे उसके बाद से आपका जो सातवां पैराग्राफ है वो है कंक्लूजन ये भी तीस से चालीस वर्ड्स का तो ओवरऑल यू आर राइटिंग अबाउट टू फिफ्टी टू टू वर्ड्स ये है आपका बीस नंबर की जरूरत तो हम तैयारी कैसे करते हैं को रखेंगे कैसे उसको हम कहते हैं प्रायोरिटाइज क्या मतलब है प्रायोरिटाइज का जो सबसे पहला पॉइंटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो दूसरा पॉइंटर है वो उससे कम इंपॉर्टेंट है सो यू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन यू गो ऑन टू इंपॉर्टेंट देन यू गो ऑन टू नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड देन यू गो ऑन टू लीस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर तो आपने शुरू किया सबसे इंपॉर्टेंट से ये आपके नोट मेकिंग में ऐसे कर रहे हैं आप आंसर नहीं लिख रहे हैं ऐसे आपने शुरू किया सबसे इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद से नॉट सो इंपॉर्टेंट फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे आपने अपने सात आठ पॉइंट्स बनाए यू आर प्रिपेयरिंग अ ट्वेंटी मार्कर, लेट से यू गेट अ टेन मार्कर क्या करोगे हा? करोगे क्या दस नंबर का सवाल आ गया हाँ? एग्जैक्टली exactly. बताओ ना यार घबरा क्यों रहो ऊपर के चार उठा लोगे मलाई उठा लोगे ऊपर से और क्या नीचे कर दो क्या जरूरत है और अगर बीस नंबर का तैयारी है ही तो हर एक थीम पे इस तरीके से तैयारी होती है एंड दैट्स योर ओनली की टू राइटिंग गुड आंसर क्योंकि मेंस के टाइम पे आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सब नहीं कर सकते हैं. ये सारी तैयारी पहले से होती है और खूब होनी चाहिए आंसर राइटिंग की बहुत सो दिस इज समथिंग दैट वी डू सो अगेन टू गो बैक टू पेपर तो मैंने जो कह रहा था आपसे कि हैंड आउट्स में क्या करते हैं हैंड आउट्स में मैं इसीलिए बताता हूँ कि भाई देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन है ये कंक्लूजन है सो वॉट स्टूडेंट्स डू इज़ दे टेक अ नोट अब सबका अपने अपने तरीके होते हैं कुछ लोग घर जाके अपने रूम पे जाके अलग से नोट्स बनाते हैं कुछ लोग उसी में स्टिकी नोट्स लगा देते हैं कुछ लोग वहीं पे कलर कोडिंग कर देते हैं वो तो हर आदमी का अपना केस है बट दी हैंड आउट्स इन वे तो हैंड आउट्स हैं उसमें बहुत वैल्यू एडिशन है वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है पेपर वन के लिए वी वर्क विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस देखिए अगर आप कभी भी सिर्फ किसी एक सोर्स से पढ़ेंगे तो उसमें खतरा है क्या खतरा है आप भी वही पढ़ रहे हैं और लोग भी वही पढ़ रहे हैं फिर वही घूम फिर के वही कहानी हो जाएगी दस नंबर के चार मिलेंगे ठीक तो जब भी आप अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं तो आपका जो आंसर होता है इट्स मच बेटर इट्स मोर रिफ्रेशिंग इट्स मोर कैप्टिवेटिंग फॉर द एग्जामिना सो वॉट वी डू इज इन दी हैंड आउट वी बो फ्रॉम अ रेंज ऑफ सोर्सेज एंड दन थिंग देट आई पर्टिक्युलरली बो फ्राम उसको हम कहते हैं डिक्शनरीज सोशियोलॉजी की बहुत सारी डिक्शनरीज हैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी केम्ब्रिज डिक्शनरी पेनग्विन सेज ब्लैकवेल ये बहुत सारी डिक्शनरीज हैं तो हम क्या करते हैं ये इन डिक्शनरीज से हम डेफिनेशन लेते हैं और आप ये यूज कर सकते हैं और डेफिनेशन हमेशा बहुत मदद करती है इंट्रोडक्शन में एक धांसू ऑथेंटिक डेफिनेशन अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिख दी जस्ट फॉर दैट यू गेट वन मार्क एंड दैट्स एन एक्स्ट्रा मार्क जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं लेट से दैट दर इज अ क्वेश्चन ऑन एजिंग एजिंग पता है आप लोगों को उम्र जो बढ़ती है एजिंग एज हाँ ये चलिए इसको भी छोड़ देते हैं कोई और आसान सी चीज ले दे लेते हैं लेट से दर इज अ क्वेश्चन ऑन पॉवर्टी ठीक तो पॉवर्टी को लेकर के आपकी एक समझ है आप अपनी जबान में पॉवर्टी के कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं और हो सकता है आपने बिल्कुल सही लिखा हो राइट बट लेट्स राइटिंग गिवन बाय अमरत्यसेन और वो अपनी तरफ से नहीं बना रहा है अमरत्य सेन ने वो डेफिनेशन दी है एक तो आपने अपनी तरफ से कुछ भी लिख के अमरत्य सेन का नाम लिख दिया नो यू कैन डू दैट दैट्स अ डिजास्टर नेवर डू दैट इट बैक फायर तो अमर्त्य सेन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, अब किसी ने लिखा अमर्त्य सेन इन हिज सेलिब्रेटेड वर्क डेवलपमेंट एज फ्रीडम डिफाइन पॉवर्टी एज रिस्ट्रिक्शन केपेबिलिटी एक बात बता रहा हूँ, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट दिस इज वॉट ही एक ने यह डेफिनेशन लिखी दूसरे ने लिखा पॉवर्टी इज अचुएशन वेर इन दिनिम इज नॉट मेट यह भी सही है राइट right? जो मैं लिख रहा हूँ वो भी सही है बट द पॉइंट इज यू नो वेरी वेल कि कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा वेटेज वाली है तो हैंड आउट्स में डेफिनेशन मिलती हैं और डेफिनेशंस हमेशा आपके किसी भी स्कोर में एक नंबर बढ़ा देगी सो वी डेफिनेशंस वो आपके इंट्रोडक्शन में मदद करती है कंक्लूजन उसके लिए अलग पॉइंटर्स हैं और हमेशा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है कंक्लूड कैसे करना है सो हैंड आउट्स हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ राइटिंग गुड आंसर्स डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हैंड आउट्स में हम क्या करते हैं जैसा कि मैंने कहा हम वैल्यू एडिशन देते हैं वैल्यू एडिशन का मतलब ये जो चीज़ें आम तौर पर लोगों को मालूम है हम उससे हट के बट ऑथेंटिक क्रेडिबल गुड सोर्सेज नॉट द रन ऑफ द मिल सोर्सेज नितिन सांगवान वगैरह ये सब नहीं ये सब तो दिस इज़ नॉट वेरी गुड और इसके दिन चले गए अब बिकॉज वो 2015-16 में एक किताब आई थी शुरू के तीन चार साल चल गई अब कितना चलेगी भाई ठीक तो ये हो गया पेपर वन और इसी तरीके से पेपर टू में रेंज ऑफ बुक्स और जर्नल आर्टिकल्स क्योंकि पेपर टू आप बिना जर्नल आर्टिकल्स के नहीं निकाल पाएंगे अब आप जाके जर्नल आर्टिकल्स पढ़ाए टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम पहली बात तो एक्सेस ही नहीं होगा आप ई का आर्टिकल घुस ही नहीं पाओगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन चाहिए ये जितने भी जर्नल्स हैं सोशोलॉजिकल बुलेटिन कॉन्ट्रीब्यूशनस टू इंडियन सोशियोलॉजी या इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये सारे जो हमारे जर्नल्स हैं जिसमें हिंदुस्तान के अच्छे बड़े सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं आप उनके एक्सेस ही नहीं होगा हमारे पास मेरे पास एक्सेस है सो वॉट आई डू इज़ आई रीड द स्टाफ एंड आई गेट सम गुड आर्क्यूमेंट्स और फिर हम उसको यूज करते हैं जैसे अभी पीछे स्वच्छ भारत के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल ईपीडब्ल्यू में आया था अब स्वच्छ भारत तो जीएस में भी चल रहा है बट कैसे हम सैनिटेशन के कॉन्टेक्ट में या टोटल सैनिटेशन कैंपेन के कॉन्टेक्स में हम सोशियोलॉजिकल ये हमारा जर्नल आर्टिक ना दिस इज समथिंग दैट इज देयर इन दी हैंड आउट यू गेट इट सो दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ स्कोरिंग बेटर क्योंकि अगर आपके पास सोशियोलॉजिकल कॉन्टेंट है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं तो हैंड आउट्स हैंड आउट्स हर एक चीज के लिए हैं और हैंड आउट्स पी वाई क्यूज की रोशनी में है रिमेंबर अगर आप सिर्फ सिलेबस के हिसाब से सोशियोलॉजी करोगे तो ये कोर्स तीन से साढ़े तीन महीने में हो सकता है बट अगर आप पी वाई क्यूज के हिसाब से सोशियोलॉजी करोगे तो ये एक झटके में पाँच महीने का कोर्स हो जाता है क्योंकि पीवाई क्यूज क्या करता है इसको फैलाता है जैसे टॉलकट पार्सन एक थिंकर हैं सोशियोलॉजी पेपर वन यूनिट फोर में तो पार्सन का आप जब सिलेबस में देखोगे दो चीजें लिखी हुई हैं सोशल सिस्टम पैटर्न वेरिएबल दो चीजें इनको पढ़ाने में लगेगा मैक्सिमम दो घंटा बहुत अच्छे से पढ़ाने में तो दो घंटे में आप ढाई घंटे में आप पार्सन्स पढ़ा सकते हो बट फिर आप पीवाई देखो तो क्यूज में पार्सन से रिलेटेड छह चीजें और दी हुई हैं इसलिए पार्सन पढ़ाने में आपको लग जाते हैं आठ घंटे सात घंटे सो यू हैव टू यू हैव टू गो बाय पीवाई क्यूज क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दे आर आर गाइडिंग स्टार्स वो नहीं होंगे तो हम भटक जाएंगे तो दिस इज वॉट सो बेसिकली आपका वैल्यू एडिशन पीवा पीवाई क्यूज की रोशनी में सारा का सारी पूरी क्लासेस आफ्टर एवरी यूनिट वी डिस्कस PYQs. क्यूज मतलब डिस्कस का मतलब ये स्टूडेंट्स आर आस्ट कि भाई आप जाके पी वाई क्यूज देख लीजिए कोई भी पी वाई क्यू आपको लगता है जो हमने नहीं किया है इट। यूनिट का वी विल डू दैट राइट सो वैल्यूडेशन पीवाई क्यूज और जैसा कि मैंने कहा आंसर राइटिंग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पेपर टू में खासतौर पर जर्नल आर्टिकल से वी गेट एज मच सोशोलॉजिकल स्टाफ ऑन करंट अफेयर्स

करते हैं फिर उसके ऊपर फीडबैक मिलता है एक्सेट्रा एटसेट्रा सो दीज आर थिंग्स दैट आई बिलीव फाउंडेशन प्रोग्राम। मेरे हिसाब से तो अब बात हो गई पूरी अब आप बताइए हैंड आउट सो देर आर मेनी बट इफ यू want to consult, so for paper वन

इसके अलावा थिंकर्स के लिए आप रिड्ज़र जॉर्ज रिड्जर की सोशलॉजिकल थियोरी है ल्यूई कोजर की मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजिकल थाट है कैन मॉरिसन की मार्क्स वेबर एंड डोखाइम है बहुत सारी किताबें एंथनी गिडन्स की कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी है सो बेसिक रिसर्च मेथड्स के लिए राम आहूजा की किताब है सो वॉट आई एम सेग इज़ दैट इफ़ यू स्टार्ट कंसल्टिंग ईच ऑफ दिस बुक्स इट्स इम्पॉसिबल ऑफकोर्स इट्स लवली अच्छी बात है किताब पढ़ने से बढ़िया क्या हो सकता है दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू बट यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम नंबर वन एंड नो ऑफेंस यू ऑल्सो डोंट हैव दैट डिसर्निंग केपेबिलिटी क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं तो अगर मैं आपको सोशियोलॉजी की किताब दे भी दू तो आप उससे उतना फायदा उठा नहीं पाएंगे जितना आमतौर पर लोग उठा सकते हैं जैसे इफ आई रीड अ सोशियोलॉजी बुक आई कैन गेट अ लॉट ऑफ एक्ट वही गन्ने की मशीन वाला मैं उसमें सब निकाल सकता हूँ या ठीक ठाक निकाल सकता हूँ कोई मुझसे भी ज़्यादा सीनियर टीचर है वो और निकाल सकता है जिस आदमी ने किताब लिखी है वो सब कुछ निकाल सकता है सो इट वेरीज बट बिकॉज आप लोगों का सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है तो अगर आप बिना बैकग्राउंड के एन की किताब है टेक्स्ट बुक जो है हमारी क्लास इलेवंथ की इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी अच्छी किताब है पढ़ने में कोई बुराई नहीं है बट आप पढ़ के क्या उससे उतना फ़ायदा उठा पाएंगे जितना कि उस किताब से आपको उठाना चाहिए शायद नहीं राइट सो यू हैव टू देन सो देर आर मेनी बुक्स आई सेड वो तो मैं अभी आपको कुछ ही बता रहा हूँ इसके बाद से वर्क पे पॉलिटिक्स पे रिलीजन पे बहुत सी किताबें हैं सो वॉट आई डू इज़ आई जितनी किताबों का मैंने आपको रेफरेंस दिया आई बिकॉज आई एडिशनल स्टाफ तो जो मैं अलग अलग सोर्सेस से मैं उठा के आई पुट दैम टुगेदर सो दी हैंड आउट इज एक्चुअली एन असोटमेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस यू कैट इट देंड आउट से ये हो जाता है इसी तरीके से पेपर टू अभी तो मैंने आपको पेपर वन का बताया पेपर टू में हैंड बुक ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया करीम्स इन इंडियन सोशियोलॉजी इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी इन द ईस्ट इसके अलावा एम एन श्रीनिवास की सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया योगिंदर सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ए आर देसाई की रूरल सोशियोलॉजी क्या नाम है इनका घनश्याम शाह की सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया अब ये बेसिकली हर यूनिट के बारे में मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ देखो यार मैं ये बताऊंगा अरुण राइट right? सिंगल बुक के चक्कर में मत रहना ये इससे बहुत नुकसान होता है देखिए सिंगल बुक का क्या होता है वो कन्वीनियंट तो होता है सब कुछ एक जगह बट उसका कंटेंट सही है नहीं ये इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं उस किताब मैं उसका रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक स्टूडेंट हमारे पास लेके आए और उन्होंने बताया कि ये दो किताबें मैंने ख़रीद ली हैं तो मैंने कहा भाई जरूरत मैंने कहा जरूरत तो तुम्हें नहीं थी अब तुमने खरीदनी है तो कहने लगे नहीं, नहीं मैं चाहता हूँ कि आप देखें और मुझे बताएं कि ये कंटेंट सही है नहीं तो मैंने कहा भाई इतनी मोटी मोटी दो किताबें कैसे पढ़ पाएगा आदमी सो आई कॉन्ट वाउच जब तक कि मैं एक एक पेज ना पढ़ लूँ भाई दो पेज देख के तो नहीं बोल सकता ना कि हाँ बढ़िया है पता चला दो, दो पेज खोले थे वो तो सही थे उसके आगे पीछे सब कूड़ा सो आई कॉन्ट रियली वाउच फॉर अ बुक जस्ट लाइक दैट अनलेस आई कैन ओनली वाउच फॉर समथिंग दैट आई हैव रिटन उसके अलावा मैं दुनिया की किसी चीज को बॉउश नहीं कर सकता सो आई सेड ओके, उन्होंने कहा नहीं एक नजर तो आई जस्ट ओपन टू एंड इट सो में पार्ट बी के अंदर है उसमें हमारे चार थिंकर्स हैं तो उसमें जी एस घुरे हैं एम एन श्रीनिवास हैं आंद्रे बेते हैं और लुई ड्यूमो ये चार थिंकर्स पेपर में है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दीपानकर गुप्ता भी हैं तो पांच थिंकर्स हो गए अब मैं देख रहा हूं उसमें लिखा हुआ है ल्यूई ड्यूमो के बारे में अकॉर्डिंग टू ल्यूई ड्यूमो कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इन इक्वालिटी फ्रेज है लेकिन ये फ्रेज ड्यूमो का नहीं है ये फ्रेज किसका है अंबेडकर का अंबेडकर रोट इन एनाइलेशन ऑफ कास्ट एंड इन वेरियस अदर राइटिंग्स कास्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इन ये अंबेडकर का है अंबेडकर ने कब लिखा जब डूमो जो है मुझे लगता है स्कूल स्कूल में पढ़ रहे थे भाई डूमो की किताब तो 1966 में आई है अंबेडकर ने 1931 में ये सब चीज़ें लिख दी थी बट द पॉइंट इज आई नो दिस बिकॉज आई हैव रेड लेकिन आप जब वो किताब पढ़ोगे वुड यू बी एबल टू नो इट क्योंकि आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो किसी भी किताब में बस मुझे एक टेबल मिल जाए टेबल में क्या होगा चार थिंकर्स के नाम होंगे और चारों थिंकर्स के चार चार पॉइंट्स होंगे सो इट्स वेरी क्विक एम एन श्रीनिवास के पांच पॉइंट्स ड्यूमो के पांच पॉइंट्स घुरे के पांच पॉइंट्स और बेते के पांच पॉइंट्स और दीपानकर गुप्ता के मोबिलिटी पे क्या कहते हैं डायनामिक्स पे क्या कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स पे आपको ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को देख के कि ये देखो एक झटके में सब पता चल गया बट द पॉइंट इज अगर मान लीजिए उसमें एक भी इंफॉर्मेशन गलत है आपका तो नुकसान हो गया बट मोर इंपॉर्टेंटली यू विल नेवर नो आपको कैसे पता चलेगा सो विच इज वाई सिंगल सोर्स का मैं तो भाई कुछ जानता नहीं और सिंगल सोर्स मेरे हिसाब से ऑप्शनल के लिए इज नॉट द राइट डील आई कैन ओनली एज आई सेड आई कैन ओनली वाउच फॉर मटीरियल दैट आई एम प्रोड्यूसिंग तो जो हैंड आउट हैंड आउट की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं हैंड आउट के लिए तो मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि इसमें अगर कुछ गलत है तो मुझे एक चैलेंज कर दीजिए बट भैया जो मार्केट में जो भी चीज़ें हैं अब किसको पढ़ के किसके तीन सौ आ गए किसके साढ़े तीन सौ आ गए आई डोंट केयर आई कैनॉट इंडोस एनी थिंग इन द मार्केट आई कैन इंडोज दोज बुक्स बिकॉज वो एकेडमिक किताबें हैरोलॉम्बस या एंथनी गिडन्स की किताब या रिटजर ये भारी किताबें हैं ये तो बड़े लोगों ने लिखी है बहुत पढ़े लिखे समझदार लोगों ने लिखी है सो आई कैन ऑफ कोर्स एनी डे टेल यू कि हाँ यार ये किताब पढ़ लो बट दैट्स नॉट अ सिंगल बुक वो तो पहली बात तो उसको पूरा पढ़ने में एक साल चाहिए इतनी मोटी तो किताब है और पूरी पढ़ के भी आप पेपर टू की पाँच यूनिट्स कर पाओगे तो सॉरी पेपर वन की सो वॉट्स द पॉइंट सो हैंड आउट इज समथिंग दैट ऑलरेडी इज योर लक्ष्मीकांत इन दैट सेंस इट हैज़ एवरी थिंग एंड दी हैंड keep कीप गेटिंग अपडेटेड एवरी ईयर बिकॉज हर साल कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं तो ये कभी भी पुराने हैंड आउट्स और नए हैंड आउट्स में आप हमेशा बहुत फ़र्क देखेंगे आई कीप चेंजिंग थिंग्स सो देर इज़ नो सिंगल सोर्स जैसे हैं किताबें नितिन सांगवान है उसमें भी बहुत गलतियाँ हैं अब नितिन सांगवान जो है वो किताब है बट क्या वो एक्चुअली किताब है वो क्या है वो उनके क्लास नोट्स हैं अब जैसे तुमने ये लिख रखा है ये लिखा हुआ है ना मान लो ये पूरी की पूरी स्पायरल भर दो क्लास नोट से तो टॉपर नोट्स आते हैं इसी की फोटो कॉपी कर दोगे तो क्या टॉपर नोट्स? इसी को टाइप करवा दोगे किताब बन जाएगी नहीं सो वॉट एक्चुअली गॉट हिज क्लास नोट्स टाइप या जो भी उनके जो ऑप्शनल के नोट्स थे उन्होंने उसको टाइप करवा दिया अब जनता उसको किताब पकड़ के बैठी है तो पचासों सोशियोलॉजी टॉपर्स के क्लास नोट्स टॉपर नोट्स होते हैं उसमें से किसी को टाइप कर दोगे इट डजेंट बिकम अ बुक अ बुक इज वन दैट इज रिटन विद द इंटेंट एज अ बुक जैसे हेरोम्बस वो किताब इसलिए है बिकॉज जब हेरोम्बस और हॉलबॉर्न बैठे तो उनके दिमाग में था भाई किताब लिखनी है इसलिए हम उसको किताब कहते हैं आप बात समझ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत किताब इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने किताब सोच के लिखी या स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की किताब या मैग्रोहिल की कोई किताब या इकोनॉमी की कोई किताब या माजिद साहब की जियोग्राफी की किताब ये किताब है ये नोट्स नहीं है सो विच इज़ वाई एक किताब है जो अभी आप किसी भी दुकान पे जाइए वो खट से आपको पकड़ा देंगे ये लीजिए साहब तो ये तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है यू विल शून्य आई का कुछ मिल जाएगा Uh, हो सकता है नितिन सांगवान दे दें और भी कुछ किताबें मुझे पता नहीं बट आई नॉट वाउच द दउ मोर देन इनफ आई से दिस ऑल द टाइम ऑन रिकॉर्ड देर इज नथिंग आपकी दिलचस्पी है अगर पढ़ने में इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग नो नो आई एम जस्ट से होते हैं भाई कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक बिल्कुल पढ़िए खुशी से पढ़िए बी माई गेस्ट But if you are preparing, if you're simply concerned about your UPSC preparation, the handout is as good as anything under the sun. And believe me, again, no offense, credibility. But someone who has written mains twice or thrice, and you show that handout to this person, this person will tell you this is extraordinary stuff. Because a lot of people right now, they do डिफरेंट प्रोग्राम है टू वही वो वैल्यू एडिशन के लिए जो मैं बता रहा था ना चार का पांच करने के लिए क्योंकि वो एक जमाने से चार के चार ही पे एंड दे वॉन्ट टू एड सो वैल्यू एडिशन प्रोग्राम तो दिस इज समथिंग सो आई वुड से कि कोई सोर्स उस तरीके से सिंगल सोर्स के मैं खिलाफ रहता हूँ आमतौर पर सी लक्ष्मीकांत इज अ डिफरेंट डील उसकी तो हम बात नहीं करेंगे बट आम तौर पे मुझे लगता है सिंगल सोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इफ यू आर गेटिंग हैंड आउट्स जो ऑलरेडी पच्चीस अलग अलग सोर्सेस से जमा करके बनी है तो आपको फिर क्या दिक्कत है यू ऑलरेडी हैव द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड विद यू सो देन यू डोंट हैव टू वरी आपको एडिशनली कुछ पढ़ना है यू आर एक्साइटेड होता है कई बार पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट द ऑप्शनल और पढ़ना है ठीक है पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है बट देंड आउट एज आई सेट इज मोर देन एनफ देर इज इफ यू डू दी हैंड आउट्स वेल यू आर डेफिनेटली नो वेयर यू आर कंफर्टेबली क्लोज टू टू सेवेंटी फाइव मार्क्स और फिर आखिरी बात सारी चीजें सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं है अंग्रेजी अंग्रेजी भी टाइट होनी चाहिए वह अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्या कर लोग फिर अ लॉड ऑफ टाइम्स पीपल सिंपली अंडर एस्टिमेट भाई मेन्स अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है ज़बान तो आनी चाहिए हाँ मान लो जबान ही नहीं आती है तो फिर रटोगे और रटोगे तो फिर कूड़ा होगा यू गैट इट सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू नीड टू एंड दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन आई एम नॉट सेंग जॉइन सम कोचिंग क्लासेज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एटसेट्रा दैट अटर्न नॉन सेंस यू कैन सिम्पली रीड न्यूज़ पेपर्स ऑन डेली बेसिस यू कैन टॉक टू योर पेयर्स यू कैन थिंक इन इंग्लिश राइट डायरी एंट्रीज एट्सेट्रा डू वट एवर You're writing 2025 prelims. You have all the time in the world right now. And by the time you are done with your mains preparation, let's say December, you should be comfortable in terms of your English comprehension, reading, writing, and thinking. And the moment you have English under command, you're already ahead in the race.

सो यू है और वो कैसे हो पाएगा लिखते लिखते सोचना जब आपकी जबान पर पकड़ होगी अच्छी सो वर्क ऑन दैट इज वेल वेरी ऑफन पीपल डोंट रेफर टू दैट बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ यूर प्रिपरेशन वी जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू निग्लेक्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाँ अगर आपका मीडियम ही हिंदी है तो फिर सारी बात अलग है उसके लिए फिर अलग तैयारी है बट इफ यू मीडियम इज गोइंग टू बी इंग्लिश तो फिर तो ये करना पड़ेगा क्लियर yeah. yeah. कोई और सवाल चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट